हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज के वीडियो में हम लोग अध्याय चार के पूरे नोमिलकस खत्म कर लेंगे। उसके बाद से अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे और आगे वही लेसन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि परीक्षाएं भी नज़दीक आ चुकी हैं। इसलिए जैसे ही लेसन ख़त्म होगा, आप लोग के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वहीं पढ़ाइए। तो जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद से हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की जल्दी जल्दी से ये सब इस लेसन को समाप्त कर लेते हैं। तो देखिए, 30 क्वेश्चन तो हो गए हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी थे, तो थोड़ा लेट तो लगेगा ही। देखिए, न्यूमेरिकल में ही तीन वीडियो बन चुका न्यूमेरिकल्स के ही। इस तीसरे वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल ख़त्म कर लेंगे। हाँ, तो सुनिएगा, 31 नंबर सवाल क्या है। एक मोटर कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है। यह विरामावस्था से चलकर 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करती है। कार के संवेग परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? संवेग परिवर्तन। तो देखिए, संवेग परिवर्तन क्या होता है, किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की, ये परिवर्तन है ना, ठीक ना, परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है भाई? बल के। पढ़े हैं ना आप लोग, क्या पढ़े हैं? इसी को सीधा करके लिखते हैं। क्या पढ़े हैं आप लोग? F बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन बटा समय, यही होता है ना, संवेग परिवर्तन बटा समय। तो देखिए, प्रश्न में क्या क्या दिया है। वस्तु का द्रव्यमान दिया है कितना? 2000 किलोग्राम। M का मान दिया है 2000 किलोग्राम। वो कह रहा है विरामावस्था से, यानी U का मान दिया है क्या? 0। विरामावस्था से कितने समय में भाई? T का मान दिया है कितने समय में? 5 सेकेंड में। कितने समय में? 5 सेकेंड में। उसका जो अंतिम वेग, यानी वेग कितना हो जा रहा है, उसका जो अंतिम वेग है कितना हो जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी दर मतलब इसका फॉर्मूले से ये बल ज्ञात कीजिए। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है ना। चलिए, सारे वैल्यू को इसमें रखते हैं और उसके बाद से एफ का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है? तो चलिए, सारे वैल्यू को रखते हैं और एफ का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए रखते हैं इसमें, देखिए यहीं पे रखते हैं या यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला अच्छे से। एफ बराबर देखिए, एम का मान कितना है? 200। ये देखिए, इसमें से एम कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ठीक। एम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? वी माइनस यू अपान टी। एम का मान कितना है? 2000, सॉरी मैं 200 बोल दे रहा हूँ, 2000 है, ठीक ना। वी का मान कितना है? 10। यू का मान कितना है? 0। और समय कितना लगा है? 5 सेकेंड। चलिए कैलकुलेशन करिए, 2000, सॉरी बार बार 200 आ रहा है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10/5। इसको कटा देंगे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो देखिए, जब कोई वस्तु है जो इतने किलोग्राम की है, जो विरामावस्था से 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का वेग धारण कर रही है, तो उसका संवेग परिवर्तन जो होगा 400 न्यूटन के बराबर होगा। संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? वो बल के बराबर होता है, यानी बल का मान ही निकालना था, तो कितना आया? 400 न्यूटन। देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 31 का, सॉरी 400 200, ये क्या हो रहा है यार आज मुझे, देखिए क्या हो रहा है, ये 4000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है हम लोग का? करेक्ट आंसर है। इतना क्लियर हुआ? देखिए, आज की वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगी, क्योंकि पास ही में एक ट्रैक्टर चल रहा है, इधर बरसात का मौसम है भाई, सब लोग धान के बीज डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसी की जुताई बुआई चल रही है, तो उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। आवाज़ क्लियर आ रही होगी सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए अगला सवाल है 32 नंबर। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि 4 किलोग्राम की वस्तु में 5 मीटर पर सेकेंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान होगा। देखिए, आवेग पूछ रहा है, आवेग को किससे दिखाते हैं? आई से। आवेग बराबर कितना निकल के आया था? एम बी माइनस एम यू। ये भी संवेग परिवर्तन के बराबर ही होता है ना, आवेग का मान भी होता है ना, ये फार्मूला निकल के आया था। तो देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, कि 4 किलोग्राम के द्रव्यमान की वस्तु है,
चार किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, चार किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है और इसका जो संवेग परिवर्तन हो रहा है डेल्टा वी जो हो रहा है 5.0 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है ना कि 5 मीटर पर सेकेंड का वेग परिवर्तन करने के लिए, वेग परिवर्तन करने के लिए यानी उसका वेग परिवर्तन हो गया कितना, मतलब होना चाहिए कितना, 5.0 या 5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक जो आवेग है उसका मान कितना होगा। तो चलिए इसी में रखते हैं और रखकर इसका मान निकालते हैं। तो देखिए I बराबर फार्मूला, इसमें से m कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस यू, यही वेग परिवर्तन होता है ना, बी माइनस यू ही वेग परिवर्तन होता है। तो आई m का मान कितना है, m का मान 4, v का मान निकालेंगे तो इसी का मान दे दिया है ना, v माइनस यू का ही मान दे दिया है कितना 5.0। तो i का मान निकालते हैं तो 4, ये ब्रैकेट हटता है तो क्या लगता है गुणा का, और करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड का वेग परिवर्तन करने के लिए जो बल का आवेग होगा वो कितना चाहिए हम लोग को, 20 न्यूटन सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है 20 न्यूटन सेकेंड जो है हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है सही आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है ना सबको, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम कि 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की एक गोली, 20 ग्राम की एक बंदूक की गोली है, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलायमान है, जो चल रही है वो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। विरामावस्था में आने से पूर्व, जैसे वो गोली चल रही है तो उसको रुकने से पूर्व क्या घटना हुई है भाई, सुन लीजिए कि पूर्व यह लक्ष्य में 10 सेंटीमीटर धंस जाती है, जो मान लीजिए कोई आगे लक्ष्य है उस पर गोली चलाया गया है, ठीक आगे कोई लक्ष्य है और उस पर गोली को दागा गया है, तो जैसे गोली इस पर जाके टकरा रही है तो इसमें 10 सेंटीमीटर धसने के बाद ही क्या हो रही है विरामावस्था में आ रही है। यदि लक्ष्य की मोटाई केवल 6 सेंटीमीटर हो, यदि लक्ष्य की मोटाई केवल 6 सेंटीमीटर हो और वो गोली उसमें क्या हो रही है 10 सेंटीमीटर तक तो धंस सकती है वो, तो 6 सेंटीमीटर है तो उसे पार कर जाएगी, जाहिर सी बात है पार कर जाएगी। तो देखिए क्या करे, तो लक्ष्य के बाहर निकलने पर जैसे पार करके बाहर निकलेगी तो गोली का वेग क्या होगा भाई, गोली का वेग क्या होगा, मान लीजिए गोली है जैसे इसमें इस पे इस लक्ष्य पे लगी इसको पार करके इधर से बाहर निकलेगी, अब बाहर निकलेगी तो इसका वेग कुछ और था, इधर कुछ और स्पीड से आ रही थी, और जैसे इसमें कहीं तो इसका स्पीड कुछ कम किया होगा इसने और तब ये बाहर निकलेगी तो उसका वेग कितना होगा, यही हम लोग को क्या करना है पूछना है, यही हम लोग को क्या पूछना नहीं यही पूछ रहा है, इसे हम लोग क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है उसको नोट करते हैं, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको यूज करके और क्या पूछ रहा है उसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो द्रव्यमान दिया है किसका, बंदूक की गोली का, तो बंदूक की गोली का द्रव्यमान स्मॉल m से दिखाते हैं, इसका मान दिया है कितना 20 ग्राम, कितना दिया है 20 ग्राम। फिर कह रहा है कि यह 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलायमान है, बंदूक की गोली कितने वेग से चलायमान है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या है चलायमान है। विरामावस्था में आने से पूर्व यह लक्ष्य में 10 सेंटीमीटर धस जाती है, देखिए भाई एस का मान दिया है 10 सेंटीमीटर धस जाती है, वो भी कब, विरामावस्था में लक्ष्य से टकराने से पूर्व, यानी विरामावस्था में आने से पूर्व, विरामावस्था में आने से पूर्व, ये क्या हो जा रही है 10 सेंटीमीटर धस सकती है, उस लक्ष्य में 10 सेंटीमीटर धस सकती है, कब तक, विरामावस्था में आने से पूर्व 10 सेंटीमीटर किसी भी लक्ष्य में धस सकती है, वो चाहे जितना भी लक्ष्य मोटा हो
उसमें 10 सेंटीमीटर वो गोली इस वेग से आएगी इतने ग्राम की, तो इतना धस सकती है। ठीक, देखिए आगे क्या कर रहा है। यदि लक्ष्य की मोटाई 6 सेंटीमीटर हो, मान लीजिए यही लक्ष्य था, इसकी मोटाई अब क्या हो गई है 6 सेंटीमीटर हो गई है, तो इसमें से जो गोली इधर से आएगी, इसको पार करके इधर से बाहर निकलेगी, तो उस समय इसका वेग क्या कर रहा है, हम लोग को पूछ रहा है। इस समय का तो वेग दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रही है। और जैसे ये 6 सेंटीमीटर वाले लक्ष्य को भेद कर बाहर निकलेगी, तो इसका वेग क्या होगा, ये हम लोग को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में जब वो इस लक्ष्य में अभी नहीं धसी है, तो उसका वेग तो इतना था। जब इस वाले जब मतलब वो 10 सेंटीमीटर धस सकती है किसी लक्ष्य में, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं। U का मान दिया है, S का मान दिया है, तो U का मान निकाल लेते हैं। तो कौन से समीकरण से भाई, गति के तीसरे समीकरण से इस सारे रिलेशन है ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, यहाँ से A का मान निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस कंडीशन के लिए तो V का मान क्या हो जाएगा, जाके विरामावस्था में आएगी तो V का मान क्या हो जाएगा, 0। U का मान कितना है, 10 स्क्वायर हो जाएगा इसका प्लस 2। A का मान ज्ञात करना है और S का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे तो 10^-2 मीटर हो जाएगा। यहाँ से A का मान निकालते हैं, ये आएगा इधर माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा, 10 × 20, सॉरी इसको लेकर आते हैं, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 × 20, 20A × 10^-2 होगा इतना। अब A का मान निकालना है, तो ये सारे वैल्यू इधर आके किसमें हो जाएंगी, भाग में हो जाएंगी, इसको लिख सकते हैं 10^2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये सारी वैल्यू आके नीचे क्या हो जाएंगी, भाग में हो जाएंगी, यानी 20 × 10^-2। अब इस घात वाली चीज को ऊपर ले जाते हैं, यानी घात को ऊपर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10^2 × 10^2 बटे में इसको लिख सकते हैं ऐसे 20 को। चलिए इसकी जो एक 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 घात तो कटा देगी, तो 10 में और 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000/2 कटाएंगे तो कितना आएगा, 500। चलिए यहाँ से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे वस्तु विरामावस्था में आ रही है ना, जैसे ये क्या हो रही है, विरामावस्था में आ रही है, तो इसका त्वरण घटेगा, तो घटेगा इसका मतलब त्वरण क्या होगा, मंदन में होगा, यानी ये क्या है, त्वरण मंदन है। वैसे भी यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, तो इधर आके माइनस ही होगा ना, यहाँ पे आगे चिन्ह माइनस तो लगेगा ही, ये माइनस ही से लेने गए क्योंकि ये किसको दिखाता है, मंदन को ही, तो -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, यानी ये मंदन को दिखा रहा है। ठीक है, त्वरण का मान किसको दिखा रहा है, मंदन को ही, माइनस किसको दिखा रहा है, मंदन को। इसका मतलब ये है कि वो वस्तु धीरे धीरे विरामावस्था में आ रही, माइनस का मतलब वही है। ठीक ना, तो A का मान कितना निकल के आया हम लोग का, -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये रह गई इसके इस स्थिति के लिए। अब देखिए गोली क्या करे कि 6 सेंटीमीटर लक्ष्य में लक्ष्य को भेद कर आगे निकल रही है, तो उस समय उसका वेग निकालना है हम लोग को, यही पूछा है। तो चलिए निकालते हैं गति के तीसरे ही समीकरण से, v² = u² + 2as से। तो वी का तो मान निकालना ही है, यू का मान कितना दिया है, 10 + 2, ए का मान कितना निकल के आया, -500 और एस का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो -2 लग जाएगा। ठीक है, तब v² = कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100, ये तो माइनस हो जाएगा, 6 × 12, 12×5 = 60, यानी 6000 × 10^-2, या v² = 100 - ये गुणा में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा इसकी घात है, और ये 10^2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 लिख सकते हैं, 2 जीरो कट जाएंगे, तो v² = कितना हो जाएगा, 100 - कितना बचा, 60, या v² = कितना हो जाएगा, 40। हम लोग को तो v का मान ज्ञात करना है, ना कि v² का, तो स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। अब चलिए 40 का रूट निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं, भाग विधि आप लोगों ने सुना होगा, तो दो दो का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो दो का जोड़ा बनाएं, अब इसका देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग करें कि 40 हो जाए या 40 से कम, भाग के नियम, जैसे भाग करते हैं ना वैसे ही। तो चलिए
छः का देखते हैं, पाँच का तो पचास पच्चीस, पच्चीस ही रह जाएगा, छः का छत्तीस, सात का सत सत्तर उनचास, अधिक हो जा रहा है ना इससे, तो देखिए छः बार ले जाते हैं, तो छः छः के छत्तीस, इसको ऐसे मत लिखिए, छः छः के छत्तीस, तो इसको घटाते हैं जैसे भाग में, तो घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे चार, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब जितना बार ले गए हैं उतना इसमें ऐड करते हैं, तो छः छः कितना हो जाएगा बारह, कितना हो जाएगा बारह। अब यहाँ पे चार बचा, तो इधर हम लोग अपने आप दो जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो जीरो अपने तरफ से क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। फिर अब एक ऐसी यहाँ पे संख्या ढूंढना है जिसका वर्ग करें तो इतना आए, तो दो जीरो बढ़ा लेते हैं। अब फिर एक ऐसी संख्या ढूंढना है यहाँ पे कि फिर इसका वर्ग करें तो 400 आए या 400 से कम, ठीक। तो चलिए देखते हैं कौन सी संख्या रखते हैं, दो रखेंगे तो देखिए दो दुगुना के चार, दो दुना के चार, दो बहुत कम हो रहा है, तीन रख के देख रहे हैं, तीन तिली के नौ, तीन दुना छः, तीन एक कम में तीन, चलिए कुछ लमसम जा रहा है, चार रखेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो थ्री रखते हैं, तो थ्री का अब इसमें तीन तिली के नौ, तीन दुना छः, तीन एकम में तीन, इसको माइनस करिए कितना आ जाएगा वन, यहाँ पे बचा नाइन, नाइन में से सिक्स गया थ्री, ये तो कैंसिल हो गया जीरो। अब फिर देखिए फिर क्या आता है, दो जीरो फिर बढ़ते हैं, देखिए जितना जा रहा है ऊपर लिखते जाइए कि एक बार कितना, पहली बार कितना कितना के लिए है छः का, उसके बाद से देखिए अब पॉइंट के बाद हम लोग जीरो जीरो ले जा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद ले जाएं तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, जैसे भाग में लगाते हैं भाग नहीं जाती है तो। और फिर उसके बाद कितनी बार ले गए हैं, तीन, तीन का वर्क किए हैं ना, जो लास्ट में संख्या ले रहे हैं तीन उसका वर्क किए हैं, अब इतना आया, फिर क्या करते हैं देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए ना इतना, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था ये सवाल कुछ बड़ा होगा तो नोट करने के लिए। अब इसमें फिर जितनी कवर, जितने कवर किया था उतना जोड़ते हैं ना, तो तीन तीन कितना हो जाएगा छः, इधर लिख रहे हैं छः दो, अभी अब फिर एक ऐसी संख्या यहाँ पे ढूंढिए जो इतने के बराबर हो या इससे कम हो, ठीक है, एकदम भाग जैसे ही होता है। तो चलिए कितना होता है, अब कितना बार ले जाते हैं देखते हैं, तो पहले तो नीचे से ही शुरू करते हैं, एक बार ले जाएंगे तो एक एकम एक छः, बहुत कम हो जाएगा, 1261 ही जाएगा, यहाँ पे दो रखते हैं क्योंकि यहाँ पे तीन है, तो तीन रखेंगे तो अधिक हो जाएगा, तीन दुना छः अधिक हो जाएगा, दो ही बार जाएगा, ठीक है, दो बार जाएगा, तो दो दुना के चार, दो छः का बारह, एक दो एक दो एक, और दो दुना के चार एक पाँच, दो एक कम में दो, अब इतना माइनस करिए छः, यहाँ पे सात, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर लेगा एक हासिल, तो दस में से पाँच गए पाँच, ये बढ़ेगा, तो कितनी बार गया दो बार, फिर अपने फिर ये दो जीरो बढ़ेंगे, ऐसे ही क्या होता जाएगा, ये आगे तक बढ़ती जाएगी, क्या इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसा बढ़ते जाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग तीन स्थान तक लेते हैं या दो स्थान तक, पहले भी बता चुका हूँ, तो कितना आया इसका वर्गमूल, कितना आया, कितना आया 6.32, कितना आया 6.32। तो जो वस्तु है और जो गोली है, जब वो लक्ष्य को, जो 6 सेंटीमीटर का लक्ष्य है, इसको 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से भेद कर बाहर निकलेगी, तो इसका वेग क्या हो जाएगा 6.32 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग कम हुआ ना, पहले 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही थी, जैसे ही लक्ष्य को भेद कर बाहर निकली तो उसका वेग कितना हो गया 6.32 मीटर पर सेकेंड, 6.32 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है, कितना वेग से बाहर निकलेगी वो 6.32 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो गोली है 6 सेंटीमीटर लक्ष्य को भेदने के बाद बाहर निकलेगी। इतना क्लियर है तो नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 34 नंबर सवाल, देखिए 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड त्वरण एफ बराबर 19.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिरता है, वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हुए
बल जो कि गुरुत्व बल के साथ साथ लगता है होगा। देखिए, समझिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका वेट भाई कितना दिया है, 2.5 किलोग्राम, और इसका जो त्वरण दिया है F वो कितना दिया है, 19.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ये चल रही है। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिर रही है, जो ये क्या करे वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, यानी आएगी तो वायु से घर्षण होगा तो उसको नगण्य मानिए, ठीक है, उसको नगण्य मानते हुए गुरुत्व बल के साथ साथ लगता है, यानी जो गुरुत्व बल के साथ साथ लगता है वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए गुरुत्व बल के साथ साथ इस पे लगने वाले बल का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, F बराबर क्या होता है, M इंटू ए, तो F का मान तो निकालना है, M दिया है, हम लोग को A की वैल्यू चाहिए। देखिए टोटल ये दिया है, त्वरण दिया है F का मान, तो जिस वस्तु पे जब इस पे जो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, देखिए वो क्या क्या होगा, पहले तो वस्तु गिरेगी तो उसका भी एक परिवर्तन होगा, तो उसका एक त्वरण होगा ए, प्लस इस पृथ्वी द्वारा इस पे गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जो इसको अपने त्वरण से अपनी गुरुत्वीय त्वरण से खींचेगी, और फिर इस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होगा ही, तो ये जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यू के योग के बराबर है, यानी टोटल ये क्या है, त्वरण है, तो जो एफ है वो किसके किसके बराबर होगा भाई, ए प्लस जी के, यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए तो क्या होगा, F माइनस जी, तो F का मान कितना दिया है, 19.8, हम लोग गुरुत्वीय त्वरण मालूम है ये कितना होता है, 9.8, या इसको 10 मानते हैं, ठीक, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हम लोग का त्वरण होगा, वो इस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा इसके वेग के कारण वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब प्लस इसमें जो पृथ्वी है वो अपने गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचेगी, अब प्लस इस वस्तु का भी ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आया है त्वरण, इन दोनों का योग दिया था ये टोटल, ठीक है, तो इससे ए का मान निकाल लेते हैं, तो अब बल का मान आसानी से निकल जाएगा, तो एफ बराबर एम का मान कितना है, 2.5, ए का मान कितना है 10, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, बल का मात्रक न्यूटन, मात्रक लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है, तो जो बल का मात्रक बल जो आएगा वो कितना आएगा, 25 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 34 का, 25, ऑप्शन नंबर डी, देखिए 25.00, दशमलव के बाद 00 लगाना कोई मतलब नहीं रखता, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हम लोग का करेक्ट आंसर है, इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर क्या है 35, देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पे कोई बल लगाया गया, किसी वस्तु पे बल लगाया जा रहा है, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, इस वस्तु का द्रव्यमान और इसका इस पे लगाया गया बल का परिमाण ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, अब क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है पहले तो वो समझिए, कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल, न्यूटन का द्वितीय नियम है ठीक ना, किसी वस्तु पे लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पता हो उस पे लगाया गया बल पता हो तो न्यूटन के इस नियम से यानी इस द्वितीय नियम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई, इसमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है तो इसको निकाल सकते हैं ना, तीन ही वैल्यू दी है इसमें, द्रव्यमान बल और त्वरण, तो ऑप्शन देखिए क्या क्या बोल रहा है और कौन सा ऑप्शन नंबर सही है देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, इसमें चाल का जिक्र हुआ है, न्यूटन के दूसरे नियम में चाल का जिक्र हुआ है नहीं ना, ऑप्शन नंबर ए भी सही नहीं है, वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, क्या इससे वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, नहीं,
वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं? वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें त्वरण दिया है, ये दो वैल्यू भी दिया है, जिससे त्वरण निकाल सकते हैं ना इस फार्मूले से। तो गति के मतलब गति के द्वितीय नियम अनुसार जो फार्मूला होता है F=ma, तो यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया हो, उस बल का परिमाण पता हो, उस वस्तु का द्रव्यमान पता हो, तो न्यूटन के दूसरे नियम से, जब न्यूटन का दूसरा नियम ले ले, तो उससे सिर्फ हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, 35 का जो ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। तो ये तो बहुत छोटा था, ये तो ऑप्शनल ही था, ठीक है, ऐसे ही देख के मार सकते हैं। समझ में आया है ना सबको? चलिए अगला सवाल देखते हैं, 36 नंबर। अब ये क्या कह रहा है, जो 36 नंबर सवाल है, देखिए ये क्या कह रहा है कि 1000 किलोग्राम की एक कार ढलाऊ जमीन जिसका ढाल 30 अंश है, एक विराम अवस्था में है, यदि ब्रेक को एकदम छोड़ दिया जाए तो 125 मीटर चलने में समय लगेगा। देखिए फिगर द्वारा समझिए क्या कह रहा है। ये मान लीजिए क्षैतिज तल है, इस पर एक ढलान है, और ये जो ढलान है इस क्षैतिज से कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का बना रही है, और इस पे कोई कार खड़ी है, ठीक है, इस पे कोई कार खड़ी है, ठीक है, इस पे कोई कार खड़ी है। तो कह रहा है कि जैसे ही मान लीजिए कार क्या है, ब्रेक लगा हुआ है, कार का ब्रेक लगा हुआ है, ऐसे विरामावस्था में, और जैसे इसका ब्रेक छोड़ेंगे तो ये मोशन करना शुरू कर देगी ना। जैसे ये ढलाव पे है, तो कोई भी गाड़ी ढलाव पे है, जब तक गियर में है, ब्रेक लगा हुआ है, तब तक तो रुकी रहेगी, जैसे ही छूटेगा तो गाड़ी क्या होगी, आगे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाएगी। कह रहा है कि ये कितना मीटर जाने के बाद रुक जा रही है, भाई रुक जा नहीं रही है, रुकने का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कह रहा है कि 125 मीटर चलने में समय लगा। मान लीजिए चलते चलते इतना क्या कर ली है, दूरी तय कर ली है, यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ गई है, वो भी कितना, 125 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा है, इसी को क्या कर रहा है, हम लोग से पूछ रहा है, क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए, वस्तु पहले तो विरामावस्था में थी, इसका मतलब U का मान क्या था, 0 था। फिर S कितना मीटर गई, 225 मीटर गई, कितना गई, 225 मीटर गई। और कुछ दिया है, और कुछ दिया है नहीं ना, और पूछ रहा है किसका मान, T का मान पूछ रहा है। तो चलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, गति का कौन सा समीकरण लगाएं, दूसरा समीकरण लगाएं, S बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ये वस्तु किसी ढाल, जब इस पे ढाल दे दिया हो, यानी कोण का मान दे दिया हो, उस समय जो फार्मूला बन के आता है वो आता है UT प्लस हाफ A साइन थीटा T स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो कोण है इसके लिए लगाते हैं क्या यहाँ पे, साइन थीटा, ठीक है। अब इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, टी का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टी का मान। तो चलिए इनमें सारी वैल्यू को रखते हैं और उसके बाद से टी का मान पे निकालते हैं। तो एस का मान कितना दिया है, 125, यू का मान 0, तो इसमें टी का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर 1/2 ए का मान देखिए, अब ये चूंकि पृथ्वी पे चल रही है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ये ए यहाँ पे क्या करेगा, जी का काम करेगा, यानी जो ए होगा वो जी का काम करेगा, और जी का मान कितना है, कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साफ साफ इधर लिख दे रहे हैं, जो ए होगा वो जी के इक्वल होगा, और इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी आपको ए का जिक्र ना किया हो तो वहाँ पे आप इतना रख सकते हैं, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 कहीं कहीं रखा जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9.8 साइन टी अंश, थीटा का मान कितना है, 30 अंश, टी का मान तो ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, 125 बराबर, ये तो खत्म, अब इसको कटा दें तो कितना हो जाएगा,
दो चौके आठ और दो नवा अठारह, 4.9 और साइन 30 अंश का मान कितना होता है भाई, 1/2 और टी स्क्वायर का मान ही ज्ञात करना है। फिर आगे करते हैं, इसको कटेगा यहाँ से, कटा दें इसको, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, टी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 125। यहाँ से टी स्क्वायर इधर ही छोड़ देते हैं, इसको ले जाते हैं उधर, तो इस बट्टा में हो जाएगा ना इधर। चलिए अब इसको कटाते हैं, ऊपर करें, ठीक ना, तो टी स्क्वायर बराबर कितना आया 125 बटा में 2.45, कितना है 2.45, तो टी स्क्वायर बराबर, इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने लगेंगे, 2 जीरो लग जाएंगे और बटे में 245। इसको कटाइए, थोड़ा कटने वाला है, ये भाग दीजिए, देखिए कितने बार में कट जा रहा है, भाग देखे देखते हैं, तो 12 × 500 / 245 कटाते हैं, 6 × 12, 6 × 24 = 24, 5 बार जाएगा, 5 × 25 = 25, 2 × 5 = 20, 2 × 22 = 22, 2 × 5 = 10 = 12, कितना आएगा 5, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद से 0, एक बार जाएगी 245, 5 कट के दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 0, अब देखिए कितनी बार जाएगी, 2 बार ले जाएं, 2 × 5 = 10, हाँ तो चलिए इसको हल करते हैं, तो इसको देखिए कटाते हैं कुछ कटता है, देखिए 5 से कटाई ऊपर, तो 5 × 5 = 10, 5 × 10, 5 × 5 = 25, 0 हो जाएगा, फिर इसको कटाएं तो 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45, तो टी स्क्वायर बराबर कितना आया 2500/49, तो टी का मान निकालना है ना हम लोग को, तो ये जाएगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 2500/49, तो टी का मान निकालेंगे तो ऊपर का कितना आएगा भाई 50 वर्गमूल होगा, क्योंकि 50 का वर्गमूल करेंगे, 50 का वर्गमूल मतलब 2 बार गुणा, तो 2 जीरो ये बढ़ेगा, 5 × 5 = 25 इतना आ जाएगा ना, ये जो 2500 है किसका वर्गमूल है 50 का, और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, अब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 7 × 7 = 49, 1 बचेगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 होगा, 7 × 1 = 7, इस भाग दे दे रहे हैं यहाँ पे देखिए, 7 से भाग देंगे तो 7 × 7 = 49, 1 आएगा दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर एक बार भाग जाएगी 3 होगा, फिर 0 बढ़ेगा, 7 × 7 = 28, यानी 4 बार जाएगी, यानी टी का जो मान आएगा 7.14, फिर ये आगे भी जा सकता है, फिर 7 × 14 ऐसे ही आगे तक बढ़ता जाएगा, इसलिए हम लोग 7.14 जो सेकेंड आएगा, इतना समय लगेगा क्यों, अरे क्यों लगेगा नहीं, कहाँ तक लगेगा 125 मीटर, यहाँ से 125 मीटर जाने में जो उसको समय लगेगा वो 7.14 सेकेंड लगेगा उस कार को 125 मीटर दूर जाने में, ठीक है, जब वस्तु किसी ढाल पे, वो कार किसी ढाल पे खड़ी है जिसका एंगल बन रहा है 30 अंश का, तो यहाँ से जैसे इसका ब्रेक छुड़ाएंगे तो 125 मीटर जाने में कितना समय लगेगी, लेगी 7.14 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी 7.14 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हम लोग का करेक्ट आंसर है। प्रोसेस समझ में आया सबको, देखिए यू ये विरामावस्था में थी, एस का मान दिया था, टी का मान पूछ रहा है, तो गति के दूसरे समीकरण से एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए जब भी कोण का बात कर ले तो वहाँ पे ए साइन थीटा लगता है, ठीक ना, ए और टी के बीच क्या लग जाता है साइन थीटा और टी स्क्वायर, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद से सबका वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे ए जो होगा जी के बराबर होगा मैंने बताया, और ये जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल लिए,
टी स्क्वायर अब यहाँ से हम लोग किसका मान लिए, टी स्क्वायर, इसी को हल किए हैं आगे और लास्ट में कितना है 7.14। कैलकुलेशन समझ में आया है, नहीं आया होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं समझाया कि समझ में आए सारे, देखिए हर पार्ट को अलग अलग करके समझाए हैं, तो समझ में आया इतना। जो समय लगेगा वो कितना आएगा, 7.14। जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, हम लोग का सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं 37वां सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं 37 सवाल क्या कर रहा है कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण वो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वितीय। ये तो ऊपर पढ़ चुके हैं ना ये सवाल, देखिए सवाल को दोहरा दिया है। जो 35 नंबर का सवाल है सेम वही 37वां सवाल दे दिया है, ठीक देख लीजिए एकदम सेम है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी भी सही है, वही सेम क्वेश्चन है, इसको क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है। तो इसको छोड़िए, बढ़ते हैं 38 सवाल की तरफ, ठीक है 37 को छोड़िए, चलते हैं 38 सवाल की तरफ। देखिए 38वां सवाल क्या कह रहा है कि एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है, एक राइफल है जिसकी नली 1 मीटर लंबी है, 100 ग्राम की एक गोली को 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से मुक्त करती है, गोली पर औसत बल जो पाउडर द्वारा लगाया गया है। देखिए बल का मान पूछ रहा है और बल बराबर क्या होता है, M into A, क्या होता है M into A। तो देखिए अब ये क्या कह दिया है, एक बंदूक है भाई, ठीक है ये बंदूक है, तो जो इसकी नली की लंबाई दिया है वो दे दिया है कितना 1 मीटर, जो इसकी नली की लंबाई है वो दे दिया है 1 मीटर, और इसमें जो गोली है उसका द्रव्यमान दिया है कितना 100 ग्राम दिया है भाई, ग्राम दिया है, मात्रक का ध्यान दीजिएगा 100 ग्राम दिया है, और इसका वेग जो दिया है वो कितना दे दिया है 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, किसमें, इस नली में, इस नली से 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो कह रहा है कि इस पे लगाया गया जो इसमें जो ट्रिगर दबाते हैं तो जो पाउडर होता है जिसपे फोर्स देता है, पुश करता है, वो कितना बल लगाया है उसी का मान पूछ रहा है। देखिए M दिया है, अरे M तो इसके लिए दिया है, U दिया है दूरी दिया है, S दिया है, S दिया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं S बराबर कितना है 1 मीटर, U दिया है, S दिया है, और ये अंत में जाके क्या हो जाएगी भाई, रुकी जाएगी ना, तो V क्या हो जाएगा 0। हम लोग A का मान निकाल लेते हैं, और A किससे निकालते हैं, गति के तीसरे समीकरण से A का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 0, इसका मान दिया है 400, तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए का मान कितना है भाई, ए का मान तो निकालना है, एस का मान कितना है 1 मीटर, अब देखिए कितना हो जाएगा, इधर लाते हैं तो 400 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2a, इसका मतलब कितना है, इसका स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 0 पड़ जाएंगे बराबर 2a, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 16, 4 0 बराबर 1, a का मान कितना निकल के आया 80,000, जो a का मान निकल के आया 80,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा वो 80,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा, जैसे ट्रिगर दबाएंगे इसका पाउडर जो होगा गोली पे फोर्स मारेगा तो जो गोली है उसमें इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तब बल का मान निकालते हैं, क्योंकि गोली का द्रव्यमान दिया है उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात हो गया, तब कितना बल लगा है वो निकाल लेते हैं। तो एम का मान दिया है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे ना गुड़े, ए का मान कितना दिया है 80,000,
चलिए तो ये 3 जीरो, तो इसके 3 जीरो ले लेगा। अब 100 से गुणा करेंगे 80 में, तो कितने हो जाएंगे 8000। तो 8000 बल का मात्रक न्यूटन। तो जो पाउडर द्वारा गोली पे जो बल लगा होगा वो कितना होगा 8000 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है 38 सवाल का, वो क्या है 800 न्यूटन बल लगेगा पाउडर द्वारा किस पे, उस गोली पे जिससे वो वस्तु और जिससे वो गोली 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करेगी, नली से बाहर निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं 39 सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं 39वां सवाल। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, जो 30 ग्राम की एक गोली है जो 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से राइफल में से निकलती है। 30 ग्राम की गोली 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से राइफल से बाहर निकलती है, जिसके कारण राइफल की 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है। और 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गोली निकल रही है, तो राइफल को 60 सेंटीमीटर, देखिए 60 सेंटीमीटर पीछे की तरफ धक्का दे सकती है, यानी उसको पीछे की तरफ धक्का दे सकती है, उसके वेग से वो जो बंदूक है राइफल है इतना पीछे झटका दे सकता है। तो राइफल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो राइफल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सारे वैल्यू को रखते हैं, पहले तो फार्मूला आप लोगों को समझा देते हैं कौन सा फार्मूला रखेगा। तो देखिए बंदूक और गोली जब पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि यदि वस्तु यानी बंदूक की द्रव्यमान m हो, कैपिटल m हो, और वो v वेग से पीछे हट रही हो, तो वो बराबर होता है किसके, उस गोली के द्रव्यमान और उसमें और वो किस वेग से चल रही है उसके बराबर होता है। यही फार्मूला निकल के आया था ना। और यहाँ से हम लोग बंदूक के पीछे हटने का वेग ज्ञात कर लिए थे, जो एम यू बटा में कैपिटल एम आया था ना। लेकिन यहाँ पे भी नहीं पूछ रहा है, इस कैपिटल एम का मान पूछ रहा है, तो कौन सा फार्मूला निकल के आ जाएगा, ये एम यहाँ पे चल जाएगा, भी यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला फार्मूला लगेगा। हम लोग को इसी फार्मूला को क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए क्या क्या दिया है, गोली का द्रव्यमान दे दिया है, यानी स्मॉल एम का मान दे दिया है कितना 30 ग्राम, इसका वो भी दे दिया है, स्पीड भी दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, फिर राइफल की प्रवृत्ति पीछे हटने की कितनी है, यानी वी का मान दिया है कितना 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो क्या आ जाएगा 60 × 10⁻²² मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में, तो 1000 से भाग देंगे ना, 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.0 बढ़ेगा ना, ये कट जाएगा, 1 जीरो बढ़ेगा 3 किलोग्राम, कितना हो जाएगा। पूछ रहा है किसका मान, पूछ रहा है m का मान पूछ रहा है। चलिए फार्मूले में रखते हैं, स्मॉल m का मान कितना है 0.03 × u का मान कितना है 30 बटा में, v का मान कितना है भाई, v का मान कितना है 60 × 10⁻², 60 × 10⁻², 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 3 × 6 फिर इस दशमलव को ऊपर ले जा रहे, इस घात को ऊपर ले जाएंगे 0.03 × 10⁻², है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी +2/2। अब देखिए ये 100 होगा, लिख दे रहे हैं पूरा डिटेल में, देखिए इसको 10⁻² का मतलब 100/2, ये 2 जीरो इस जीरो को काट देगा तो कितना हो जाएगा 3/2, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 किलोग्राम आएगा ना भाई, भार का मान है ना, द्रव्यमान है पूछ रहा है। तो जो बंदूक का द्रव्यमान निकल के आएगा इस फार्मूले से, जो बंदूक का द्रव्यमान निकल के आएगा 1.5 किलोग्राम होगा, यानी जो राइफल होगा वो कितना, उसका वेट कितना होगा 1.5 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए, ऑप्शन नंबर जो ए है वो कितना है 1.5 किलोग्राम, यही क्या है हम लोग का आंसर भी आया है ना 1.5 किलोग्राम। तो जो राइफल का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 1.5 किलोग्राम। समझ में आया है सबको, समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए
अगला सवाल है 40 नंबर, 40वां सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। एक चालक है तो अपनी कार को 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करता है, त्वरण दिया है, ठीक है। फिर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात होगा। देखिए गाड़ी का तो द्रव्यमान बदलेगा नहीं, द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा। तो मान लीजिए कार है, इसको पहले ड्राइवर क्या कर रहा है कि 1.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से चला रहा है, ठीक है। चलाते चलाते फिर क्या किया कि इसको 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या किया, चलाना शुरू किया। तो इसमें अंतर आएगा, इसका अनुपात है ना, त्वरण का अनुपात मालूम चलेगा। एक बार 1.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से चला रहा था, एक बार 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से चला रहा है। तो वही पूछ रहा है कि तो इंजन तो इस पर बल लगाएगा ना, जब 1.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से लगाएगा तो इंजन द्वारा कुछ और बल लगेगा। जैसे उसका त्वरण घटा के 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेगा तो इंजन द्वारा कुछ और बल लगेगा। तो उन्हीं दो बलों में क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो देखिए जो गाड़ी है उसका द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा ना, उसका जो द्रव्यमान है ये तो फिक्स रहेगा। ये नहीं कि अब मान लीजिए 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है तो उसका द्रव्यमान कुछ और होगा, जैसे उसका त्वरण बढ़ाए घटाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ना घटना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो कार का द्रव्यमान फिक्स रहेगा। देखिए बल का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। तो मान लीजिए जब ए बराबर कितना है, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इस समय बल इस पर कितना लगेगा, मान लीजिए उस बल को एफ वन मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एम, ए का मान कितना है 1.8, इतना आ गया। फिर जब ए का मान कितना हो, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित करता हो, तब जो बल लगेगा उसको मान लेते हैं एफ टू, तो वो कितना आ जाएगा एम 1.2, इतना आएगा। इन दोनों बलों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको समीकरण एक मान लीजिए, इसको समीकरण दो मान लीजिए, और दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो समीकरण एक में दो से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा एफ वन बटा एफ टू, भाग कर रहे हैं तो एफ वन का मान कितना है एम 1.8, और एफ टू का मान कितना है एम 1.2। एम से एम कैंसिल हुआ तो एफ वन अपन एफ टू का मान कितना आया, दशमलव कट जाएंगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि दशमलव सेम सेम है, दशमलव कट जाएगा। इसको कटाते हैं, 36 18, 6 2 12, तो जो एफ वन और एफ टू में अनुपात आया वो कितना है 3/, एफ वन अपन एफ टू बराबर कितना है 3/2। इसको बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात ही ना, यानी एफ वन संबंधे एफ टू अनुपात लगा सकते हैं, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 3/2। यानी जो एफ वन और एफ टू, यानी जो इंजन द्वारा बल लगेगा इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, उन दोनों बलों का अनुपात कितना होगा, 3/3:2 का होगा, कितना होगा 3/2। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3/2, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है, कितना आएगा 3/2 में जो होगा वो बल लगेगा किसके द्वारा, इंजन द्वारा, ठीक है। तो उन बलों का अनुपात कितना आएगा 3/2। समझ में आया सबको, नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 41 नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए क्या करें कि घर्षण बल F तथा घर्षण गुणांक म्यू के मध्य सही संबंध होता है। घर्षण का नियम पढ़े होंगे तो उसमें घर्षण बल और उसके नियतांक घर्षण गुणांक के बीच एक संबंध निकला होगा। देखिए घर्षण का नियम यही कहता है कि जो घर्षण बल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उस पर लगने वाले अभिलंब प्रतिकारिक बल के समानुपाती होता है। तो जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाए थे तो एक नियतांक आया था म्यू आर, आया था ना म्यू जो आर है, यही जो संबंध है घर्षण बल और म्यू, जहाँ पे म्यू क्या है घर्षण गुणांक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घर्षण बल एफ और घर्षण गुणांक म्यू हो तो इसके मध्य सही संबंध क्या निकला था, ये एक तो यही सही हो गया, या इसी को प्लाट के दे, इसी को बदल बदल के दे सकता है। यदि आपको ऑप्शन में ये न दिखे तो ऐसे दिख सकता होगा कि आर बराबर दिख रहा होगा एफ अपान म्यू, या म्यू बराबर दिख रहा होगा क्या एफ अपान आर। ये तीनों फार्मूले आपको दिखेंगे तो ये समझ लीजिए कि यही क्या होंगे, सही होंगे। ये जहाँ तीनों दिखे आपको तो इस तीनों में से कोई एक क्या होगा, सही होगा। तो देखिए एफ बराबर म्यू अपान आर,
म्यू अपन आर होता है कहीं? नहीं होता है। फिर एफ बराबर म्यू आर, एफ बराबर म्यू आर तो ये तो दिया ही है, सही है। फिर यू बराबर एफ आर कहीं दिख रहा है? नहीं ना। फिर दिया है एफ बराबर आर बाई म्यू, कहीं दिख रहा है आर बाई म्यू? नहीं ना। तो ये तीनों दिखे, ये सही फॉर्मेट है, संबंध है ये घर्षण बल और घर्षण गुणांक में। इतना क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, 41 का ऑप्शन नंबर बी जो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए आगे दो सवाल बचे हैं और ये जो है ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल है, जो पीछे हम लोग इसके डिटेल्स पढ़े होंगे उसमें से है ये सब, तो ये तो पढ़ के आप कर सकते हैं। देखिए क्या है, 42 वाला, 1 किलोग्राम भार और 1 किलोग्राम बराबर है, ऑप्शन दिया है 1 किलोग्राम के, 1 न्यूटन के, 980 डाइन के, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब पीछे पढ़ चुके हैं, 1 किलोग्राम भार बल किसके कितने के बराबर होता है, उसी को चेंज करके आप निकाल दीजिए इसमें से। ठीक है, फिर 43 सवाल है, 1 मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर करता है। तो घर्षण बल जब पढ़े होंगे नियम उसका, तो एक ये नियम था, फिर एक नियम आया था कि घर्षण बल किन बातों पर निर्भर करता है, यानी किन चीज़ों पर निर्भर करता है। जो घर्षण बल होता है वस्तु के क्षेत्रफल पे नहीं, उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उस पर किस प्रकार का बल लगाया जा रहा है। ठीक ना, तो ये इन सब पे निर्भर करता है। तो ये सब ऑप्शनल है, ये आप खुद से पढ़ के कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने वो करा दिए। ठीक है, तो ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल्स पे ही फोर्स करूँगा, क्योंकि देखिए मैं चैप्टर डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो जो उससे आ रहा है तो वो तो आप खुद से कर सकते हैं, पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, तो वो मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये लेसन समाप्त हुआ। अब आगे जब लेसन पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग के ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वहीं पढ़ाइए, मैथ में भी फिजिक्स में भी। ठीक है, तो पेपर भी नज़दीक होने वाला है, ये तो पेपर हो गया होता लेकिन लॉकडाउन ने इसे आगे तक बढ़ा दिया। तो चलिए आगे जब हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो मेन मेन नहीं चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये लेसन समाप्त हुआ, अब अगले लेसन जो पढ़ेंगे अगले वीडियो के साथ।